वेलकम बैक यार, आज हम बात करेंगे यहाँ पे रियलमी C20 के बारे में। अब ये फोन है पाकिस्तानी मार्केट में एंट्री लेवल की प्राइस में आने वाला है, यहाँ तक कि ये स्मार्टफोन अंडर 20,000 पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम इस स्मार्टफोन की फुल लॉन्च स्पेसिफिकेशन डिस्कस करेंगे, जो कि रियलमी की तरफ से फुल कंफर्म कर दी गई है। आज की वीडियो में आपको स्मार्टफोन में सारा कुछ जानने को मिलेगा कि ये स्मार्टफोन कैसा है, कैसा स्मार्टफोन का प्रोसेसर है, कैसा स्मार्टफोन कैमरा सिचुएशन है। अगर आपने सारा कुछ जानना है तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर वॉच करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जो ऑल करो ताकि हमारी वीडियोस के सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो भाई लेट्स बिगिन दिस स्मार्टफोन डिस्प्ले की। यहां पर आपको 6.53 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाला है, 720 पिक्सल के रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात लगी है। ओवरऑल इस प्राइस रेंज के अंदर इसका डिस्प्ले है वो नॉर्मली आप कह सकते हैं। यहीं पर बाकी स्मार्टफोन मेमोरी की, यहाँ पर आपको 2 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर आपको EMMC 5.1 की स्टोरेज आप देखने को मिल जाएगी और LPDDR3 वाली रैम देखने को मिलेगी, जो कि आप नॉर्मली कह सकते हैं अगर स्मार्टफोन अंडर 50,000 आता है तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छी तरीके से रूल कर सकता है पाकिस्तानी मार्केट में। तो भाई यहीं पर है बात स्मार्टफोन के CPU की, यानी कि स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस होती है जिसको मेन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑक्टा कोर का CPU देखने को मिलेगा 2.3 GHz के साथ। और यही वगैरह बात की स्मार्टफोन की चिपसेट की, यानी कि प्रोसेसर की, यहाँ पर आपको चिपसेट देखने को मिलेगा वो मीडियाटेक की तरफ से आने वाला है। मीडियाटेक का हीलियो G35 का आपको इसमें चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि नॉर्मल यूज के लिए आपका काफ़ी टास्क परफॉर्म कर देता है। अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर लेते हैं स्मूथ विद लो, आपको मीडियम फ्रेम रेट देखने को मिल जाएंगे और बैलेंस विद मीडियम आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल यार अच्छा चिपसेट है इस प्राइस रेंज के अंदर आप कह सकते हैं। यही पर बात करें स्मार्टफोन की GPU की, यहाँ पर आपको पावर बीआर का GPU भी देखने को मिल जाएगा। यही पर बात करें स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस करता है और यहाँ पर आपको रियलमी का अपना UI भी देखने को मिल जाएगा। यही पर बात करें स्मार्टफोन कैमरा सिचुएशन की, तो भाई बैक पे आपको सिंगल कैमरा से सेटअप देखने को मिलता है, जैसा आपको रियलमी C11 रियलमी C15 के अंदर देखने को मिला था, जो कि राउंड शेप के अंदर बॉक्स होता है उसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको बैक पे सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 8 MP का बैक कैमरा है। फ्रंट पे आपको 5 MP की सेल्फी देखने को मिल जाएगी एक वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर। ये वगैरह बात करें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की, तो भाई यहाँ पर आपको माइक्रो USB की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। 3.5 mm का एक ऑडियो जैक सपोर्ट किया गया है। ये वगैरह बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, यहाँ पर आपको 5000 mAh की भरी बैटरी देखने को मिलती है नॉर्मल 10 W की फास्ट चार्जिंग। ये वगैरह बात करें स्मार्टफोन प्राइस इन पाकिस्तानी मार्केट, तो यार जब तक मेरा प्राइस टैग है इस स्मार्टफोन लेकर कि ये स्मार्टफोन अंडर 15,000 आता है तो इट विल बी वेरी गुड स्मार्टफोन फॉर यू। अगर आपने गेमिंग करनी है नॉर्मल और अगर आप पबजी के लिए फोन लेना चाह रहे हैं इस तब भी आप ले सकते हैं। अगर आपने कैमरा वाइज लेना है तो यार कैमरा वाइज तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसका बैक कैमरा है वो 8 MP का देखने को मिलता है, जिसकी जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो बहुत ही डाउनग्रेड देखने को मिलेगी और आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन कंपीटेटर्स की, तो यहाँ पर इसके जो कंपीटेटर्स में खड़ा होता है वो आता है रेडमी का फोन, जो कि Redmi 9C उसके Redmi 9A इसके कंपीटेटर्स में आता है। उधर आपको G25 का चिपसेट देखने को मिलता है और वो स्मार्टफोन अंडर 15,000 देखने को मिलता है। अगर स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में अग्रेसिव प्राइस के अंदर लॉन्च किया जाता है तो यह स्मार्टफोन काफ़ी अच्छी तरीके से पाकिस्तानी मार्केट में रूल कर सकता है बजट रेंज की प्राइस रेंज के अंदर। बट आपका स्मार्टफोन के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में लाजमी तौर पर बताइएगा। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन लॉन्च डेट इन पाकिस्तानी मार्केट, तो भाई ये स्मार्टफोन है हमें फरवरी के मंथ में ही देखने को मिल जाएगा। अगर आपका स्मार्टफोन अच्छा लगा या वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक कर देना, कमेंट्स में बताना क्या चीज़ इंप्रूव करनी है आगे तक इंप्रूव करेंगे। बड़ा वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि मेरी वीडियो से सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो भाई आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।